हे माइनक्राफ्ट यूजर्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल को देख के, आज हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल से अपना खुद का माइनक्राफ्ट सर्वर SMB बना सकते हो, जिसे आप अपने कितने भी फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपका सर्वर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना। वहाँ पे सर्च करना है आपको सिंपली एटर्नोस, ATERNOS। तो आप इसको सर्च मार लोगे, तभी ये सबसे पहला वेबसाइट आएगा ब्लू कलर का। आपको इस पर क्लिक करना है, इस लिंक पे आपको लेफ्ट हैंड में दिख ही रहा होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे प्ले का आएगा, आपको सिंपली इस पर प्ले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे साइन अप करने के लिए आ जाएगा। अगर आप न्यू हो तो आपको साइन अप भी करना है, या फिर गूगल से साइन इन भी कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे अपना जीमेल डाल देना, मैं अपना जीमेल डाल देता हूँ, और आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डाल देना, जो आपका जीमेल का पासवर्ड है उसको डाल देना। एक मिनट, मेरा रॉन्ग हो गया। हाँ आप सही है शायद। हाँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे यूज़र नेम डालने के लिए आ जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कोई भी यूज़र नेम डाल सकते हो, यानी एटर्नोस जिससे आप इसको कंट्रोल करोगे। तो भाई आपकी मर्जी हो वो यूज़र नेम डाल देना है यहाँ पे। तो अपना नाम डाल देता हूँ, सैम्पल अपना यूट्यूब का डाल देता हूँ। यहाँ पे दोनों नीचे जो डबल आ रहे ना, इन दोनों को टिक करके साइनअप पर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ी देर लोडिंग हुआ तभी आपको आ जाएगा क्रिएट अ सर्वर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जावा और बेडरॉक एडिशन। आपको दोनों को खिलाना है ना, दोनों खेल सको, उसमें बेडरॉक वाले भी और जावा। तो आपको जावा एडिशन वाला क्लिक करना है, उससे दोनों खेल पाएंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसमें प्लगइन्स डलेंगे कुछ, तो उससे दोनों एक साथ खेल पाएंगे। तो आपको यहाँ पे नेम चेंज कर लेना है, जिससे आपका IP सेट होगा, आपको जो मर्जी चाहे वो कर लेना। और आपको अभी स्टार्ट नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा होगा ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेपर बकेट पे क्लिक करना है। एक सॉफ्टवेयर होता है, इससे दोनों हमारे खेल पाएंगे। प्लगिंग होता है, आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे पेपर एंड बकेट। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको एक यहाँ पे जो तीसरा वर्जन है ना 1.20.4, आपका वर्जन कोई भी हो आपको यही सेलेक्ट करना है 1.20.4, यानी ये सारे वर्जन और सारे प्लगिंग को सपोर्ट करता है, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर कोने में आ रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन, डाउनलोड का, इस पर क्लिक कर देना और आपको यस पे कर देना है। यस रीइंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो आपको ये कुछ ही देर बाद हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है ऊपर 3 डॉट रख देना, इस पर क्लिक करके आपको सर्वर पे जाना है, एक बार इसको कट कर देना ऐड को, और फिर से जाके यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे की तरफ, आप प्लगइन्स पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही प्लगइन्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने इतने सारे प्लगइन्स आएंगे। मैं बताऊँगा, आप बारी बारी से बताऊँगा किसको इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है VIA सर्च कर देना, VIA। जैसे आप सर्च करोगे अब बहुत सारे आ जाएंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको ये दिखेगा एक VIA वर्जन, यानी जो कोने में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पेपर MC का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोने में। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पेपर MC आपको इसी को इंस्टॉल करना और किसी को भी नहीं करना। ऐसे आप क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पे एक ही वर्जन सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहला वाला है ना 398, इसी को आप करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो फिर आपको इसके बाद एक और सर्च करना है VIA बैकवर्ड्स। अब जैसे VIA बैकवर्ड्स सर्च करोगे तो एक और न्यू प्लगइन आएगा, आपको थोड़ा नीचे करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी आपको पेपर MC वाला ही क्लिक करना है, ये रहा, हाँ ये रहा MC पेपर MC। तो इसको आप क्लिक करोगे ऐसी तो इसका भी आपको लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं भी इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले वाले को इंस्टॉल कर लेता हूँ, 239 वाला है ना, इसी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो रहा है, हो चुका है। फिर आपको इसके बाद एक और अपने प्लगइन को सर्च करना है, Geyser MC। तो ये अपना मेन वाला प्लगइन होने वाला है, जिससे अपना बेडरॉक वाला भी खेल पाएंगे अपने सर्वर में। तो थोड़ा मीनिंग गलत हो गया, Geyser MC आपको सर्च करना है, GY। जैसे आएगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा सबसे फर्स्ट वाला, इसका कोई सिर्फ एक ही है, आपको एक ही वर्जन इसको डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1.20.40 से 1.20 ऐसा नहीं है, लेकिन आप पीछे वर्जन वाले भी, पिछड़े वर्जन जो है ना, उसको भी आराम से प्ले कर पाओगे, ज्वाइन हो जाएगा अपना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर आपको इसके बाद एक और लगाना है लॉगिन सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, इससे जो भी कोई सर्वर में हैकर आ जाते हैं ना, कोई हैकर से बचाएगा, ये डिपेंड करता है।
आपको स्लैश रजिस्टर करके रजिस्टर कर देना, अपना पासवर्ड डाल देना। जब भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ना तो उसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना स्लैश लॉगिन करके, तो कोई भी हैकर इसमें आ नहीं पाएगा, आपकी आईडी यूज नहीं कर पाएगा। तो इसका भी आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन वाला इंस्टॉल कर लेना है। ये गलती से ऊपर नीचे वाला हो गया, मैं लेटेस्ट वाला कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा रहेगा 1.8 से 1.20.1 तक, तो इसको फिर से क्लिक कर दूंगा एक बार, ये दिखा रहा है। तो अपने लगभग सारे प्लगइन्स हो चुके हैं, आपको सिंपली ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको क्रैक वाला जो है ना, क्रैक वाला ऑन कर लेना है। जैसे आपको जो बेडरॉक वाले क्रोम वाले होंगे ना, वो आराम से भी ज्वाइन हो पाएंगे। मैं इसको हार्ड कर लेता हूँ डिफ़िकल्टी को, तो मैं इसको, आपको वाइट लिस्ट नहीं करना, ध्यान रखना। अगर आपने वाइट लिस्ट कर दिया तो आपकी मर्जी होगी, सिर्फ वही बंदे ज्वाइन कर पाएंगे, जिसको आपने आईपी दिया वो नहीं कर पाएगा, नॉर्मली नहीं कर पाएगा। यहाँ से आप इस स्लॉट को बड़ा कम कर सकते हो, यानी इतने बंदों का लिमिट रहेगा अपने सर्वर में। मैं मैक्सिमम 40 कर देता हूँ। यहाँ पे स्पॉन प्रोटेक्शन भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यानी तो 5 सेकंड तक हमारे बंदे पर जो भी अपना प्लेयर होगा उस पर प्रोटेक्शन लग जाएगा, कोई भी उसको किल नहीं कर पाएगा, क्रिटिकल नहीं मार पाएगा। तो हमारा लगभग सब सारा कुछ हो चुका है। आप सर्वर पे जाना ऊपर और इसको अपने सर्वर को स्टार्ट या रिस्टार्ट कर लेना एक बार। अब जैसे ही मैं इसको कर लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये हो रहा है, इसको क्लिक करना है। ये छोटा सा एक ऐड दिखाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सर्वर स्टार्ट। और आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको आईपी पोर्ट मिल जाएगा यहाँ का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा मैंने, ये देखो, ये वही आईपी पोर्ट है जो आईपी है ना अपना, जो अपने वहाँ पे यूजर नेम डाला था, उस जैसा ही आया है। तो जब तक ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी हेल्पफुल कंटेंट माइनक्राफ्ट से रिलेटेड मिलते रहेंगे जल्दी से जल्दी, और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको सिंपली अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना, अपना माइनक्राफ्ट ऐप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एड्रेस नीचे भी दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर MM शो कर रहा है। आपका प्लेयर भी देखो यहाँ पे 40 आ गया, जो अपने सेट किया था उस टाइम। तो जल्दी से जल्दी चलो अपने गेम को चालू कर दें और देखते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है कि नहीं। अपने माइनक्राफ्ट को चला लूँगा, फुल स्क्रीन कर लूँगा यहाँ से। देखिए मैंने अपना सर्वर पर क्लिक करता हूँ, तो ऐड न्यू सर्वर पे आपको क्लिक करना है। अब आपको सर्वर ऐड करने का ना आता तो वहाँ पे आपको सर्वर पे क्लिक करना है, आपको नाम कुछ भी डाल देना जो आपका मन करे। वहाँ पे एड्रेस आपको वही डालना है जो आपने कॉपी किया था, लेकिन इसका पोर्ट आपको नीचे डालना है। तो आपका लिखा आ रहा है ना डबल डॉट के जो बगल में आ रहा है, इसको आप नीचे करना और यहाँ से कट कर देना, पीछे से आईपी के पीछे से कट कर देना। ये बेडरॉक में होता है, बट आपको जावा में सिंपली क्लिक कर देना है। आपको नाम डाल देना है यहाँ पे जो आपका मन करे, मैं SMP डाल देता हूँ यहाँ पे SMP, और आपको सेव या फिर प्ले कर लेना है। तो हमारा सर्वर ज्वाइन होने वाला है, मोबाइल डेड ऑन है मेरा, उसी से होने वाला है, वाईफाई तो फिलहाल नहीं है। और ये आप देख सकते हैं लोकेटिंग सर्वर भी हो चुका है हमारा, जल्दी से आपको दिखा दूंगा, अंदर से भी दिखाता हूँ कैसा लैग वैग नहीं होता अपना सर्वर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो चुका है, ये थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू है इसीलिए हो रहा है। अच्छा। एक मिनट अभी लोड हो जाने दो। हाँ देखो कितना मस्त स्पॉन मिला है अपने को, मैंने थोड़ा सा सेटल भी लगा लिया है, थोड़ा अच्छा दिखे। और हाँ अभी मैंने नोटिस किया, हमारा लॉगिन सिक्योरिटी था ना, अभी हमारे में वक्त नहीं गया, आप अपने में करना, आपके में हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पर कुछ काम चल रहा है, इसका न्यू वर्जन आने वाला है लॉगिन सिक्योरिटी का। तो जब तक आप मेरी वीडियो देखोगे, जब तक उसका न्यू वर्जन शायद से आ जाएगा, और आप इसको ही इंस्टॉल कर लेना इसके लेटेस्ट वर्जन को। तो आप अपने फ्रेंड्सों को भी आईपी पोर्ट दे के उनको साथ भी खेल सकते हो, मजे कर सकते हो, अपने सर्वर पे एक मस्ती SMB बना सकते हो। और आप चाहो कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं नीचे जल्द से जल्द बना लूँगा। तो अपना वीडियो यहीं तक था, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैंने बोली थी पहले, मैं फिर से नहीं बोलूँगा, आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।